This Lellan Top video is sponsored by Winzo. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो अपना एक गेम खेल लीजिए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म Winzo ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट UPI या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। राधा रमन दास इस्कॉन से जुड़े हुए हैं ऐसा उन्होंने अपने ट्विटर पेज पर बताया है। उन्होंने अपने ट्विटर बायो में लिखा हुआ है कि वह इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता हैं। लेकिन इनकी बात क्यों हो रही है? दरअसल इन्होंने होली के दिन एक फर्जी बात फैलाई जो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। राधा रमन दास ने कहा कि जिहादियों ने होली में एसिड फेंका, इसके बाद बुलंदशहर पुलिस ने मामले पर सफाई दी है। सच बताया, कहा कि किसी ने तेजाब नहीं फेंका। होली के दौरान एक आदमी ने भूलवश खुद ही तेजाब की बोतल सिर पर गिरा ली। इसके बाद राधा रमन ने ट्विटर से उस भ्रामक वायरल पोस्ट को हटा दिया। मामले को लेकर इस्कॉन ने इसे उनकी निजी राय बताया है और कहा है कि इससे इस्कॉन का कोई लेना देना नहीं है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। राधा रमन दास ने ट्वीट करके लिखा था कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में होली मनाते हुए हिंदुओं पर जिहादियों ने तेजाब फेंका। ये जिहादी होली गरबा जैसे त्योहारों के दौरान हिंदू लड़कियों से छेड़खानी करते हैं और उसके बाद होली को लड़कियों के लिए असुरक्षित भी बताते हैं। इस पोस्ट के साथ राधा रमन दास ने एक तस्वीर भी अटैच की थी जिसे बुलंदशहर पुलिस ने गलत बताया। हम उस तस्वीर को इसलिए नहीं शेयर कर रहे क्योंकि वह आपको विचलित कर सकती है। मामले पर बुलंदशहर पुलिस की सफाई आई। पुलिस ने ट्वीट कर बताया, तेजाब किसी के द्वारा नहीं फेंका गया बल्कि टिंकू पुत्र ब्रजपाल और रोहित पुत्र जगदीश निवासीगण ढकरौली थाना खानपुर बुलंदशहर में होली में डांस कर रहे थे और टिंकू ने कहा कि मैं सर से बोतल फोड़ कर दिखाता हूं, परंतु भूलवश उसने शराब के बजाय तेजाब की बोतल लेकर सिर से फोड़ दी जिससे टिंकू घायल हो गया और कुछ छींटे रोहित के ऊपर भी आए। दोनों खतरे से बाहर हैं। इस्कॉन का क्या कहना है? मामले को लेकर हमने रोहिणी सुधा दास से बात की। रोहिणी इस्कॉन नॉर्थ इंडिया के कम्युनिकेशन का काम देखते हैं। उन्होंने बताया कि राधा रमन दास इस्कॉन से जुड़े हुए हैं लेकिन वह उनकी व्यक्तिगत राय है, इस्कॉन का इससे कोई लेना देना नहीं है। संबंधित ट्वीट को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा क्लैरिटी दिए जाने के बाद उन्होंने अपना ट्वीट भी हटा लिया है। आपको बता दें कि राधा रमन के ट्विटर पेज पर अभी भी ऐसे कई ट्वीट्स मौजूद हैं जो ट्विटर के कंटेंट पॉलिसी के उलट हैं। उनके पुराने पोस्ट भड़काऊ और विवादित हैं। कई पोस्ट एक संप्रदाय को टारगेट करते हुए लिखे गए हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग राधा रमन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राधा रमन ने जानबूझकर भड़काऊ बातें लिखी और अल्पसंख्यक समुदाय पर बेमतलब निशाना साधने की कोशिश की। लोग ट्विटर से अपील भी कर रहे हैं कि राधा रमन का खाता निष्क्रिय कर दिया जाए। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी आदित्य ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।